Hey guys, welcome back to our channel. और आप देख रहे हैं बेबी ऑन बोर्ड और मेरा नाम है बेबी और आज मैं ऑन बोर्ड हूँ गुनीत के साथ और हमने देखो ट्यूनिंग की है आज. कैसा लग रहा है गुनीत? अच्छा लग रहा है. और मैं आज आपको कैसी लग रही हूँ? मैंने कुछ हेयर स्टाइल किया है क्योंकि अब बाल सीधे नहीं रहे हैं तो ये वेवी हो गए हैं फिर से, तो मैंने ऐसे कुछ किया है और साइड चोटी की है. ठीक है, और आज हम जा रहे हैं मूवी देखने. मूवी कौन सी? वो हम आपको पीवीआर पहुंच के ही बताएंगे. उसका पार्ट ये वाला है तो हम नाम नहीं ले रहे हैं, हम पोस्टर के साथ फोटो डाल देंगे, बस इतना कर सकते हैं. ठीक है, हाँ. अभी अगर आपने कुछ गेस करा है तो कमेंट में जरूर, हाँ, करना. अगर आपने सही कमेंट किया तो हम आपका नाम अगली वीडियो में शाउट आउट करेंगे. तो लेट्स गो गुनीत, चलो देखते हैं डैश मूवी. टेन 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 टेन. इससे तो पता लगा लिया होगा, अब तो लग गया होगा पता. चलो हाँ, मास्क ले ले, काम सारा हो गया. हाँ बंद कर दो अच्छे से. चलो, मैंने कुछ कैरी नहीं किया है मैंने पर्स वर्स. इट्स ओके है, चलिए कोई बात नहीं. गर्मी में मॉइस्चराइजर ना लगाने के बाद फेस थोड़ा वो कर लेना चाहिए पानी से. अब बैठ के मैं टिश्यू से साफ करूँ क्योंकि ना गर्मी में और पसीने आते हैं फिर कहीं जाओ तो, है ना. कौन सी टाइम सही थोड़ी है, मेरी घड़ी टाइम सही बता रही है. अच्छा अच्छा जल्दी. अरे मैंने बोल दिया ना उसको, अभी हमारी मूवी है तो देर हो जाएगी, अब बात बात. इसने भी पिंक पहना आज, इसने भी पिंक पहना हुआ है यार जी. बहुत ही ज्यादा डर गया था. मेरा डोसा ही लिया, मेरा डोसा ही लिया, घूम फिर के डोसा ही खाऊंगा. ये मैकडॉनल्ड की बहुत बड़ी फैन है और वो डोसे की बहुत बड़ी फैन है. साउथ इंडियन इडली का वाला पाओ. हमारी जो मूवी का टाइम है वो है 4:40, तो अभी हम लंच करेंगे. मेरा डोसा आ रहा है और इसके लिए आ रहा है मैकडी से कुछ नहीं, हम दोनों का सेम आ रहा है. वो बोलेंगे दो दो दुकान पे जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, एक दुकान से ही मंगा लो, एक एक जगह से ही मंगवा लो. तो मैंने फिर मैकडी से ही बोल दिया है ना. और वो खुद के लिए अपना क्या लेके आएंगे वो पता नहीं, फिलहाल हमें पानी दे गया ठंडा. आ चुका है हमारा खाना. ये रही कोल्ड ड्रिंक. अरे सब कुछ दो दो ले आई है तो मैं तो इतना खा भी नहीं पाऊंगी, मैं तो कहाँ खा पाऊंगी. ये भी सब कुछ लार्ज ले आई है तो चलो कुछ पापा खा लेंगे ना. तेरे मैं इतना नहीं खा पाऊंगी क्योंकि कोल्ड पड़ रहा है, फिर बाद में सूसू आता रहता है मूवी में तो हम पहले करके जाएंगे ना. बिल्कुल, तो थोड़ा खाऊंगी इस सोलह के पापा खाने, चलो एंजॉय करते हैं. किधर पता तेरे पापा क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं दोनों को सेम सेम ला दिया, लड़ाई मत करना. हम लड़ाई थोड़ी करेंगे. देखा छोटी बच्ची है क्या? छोटी बच्ची है क्या? देखा छोटी बच्ची हूँ लड़ूंगी. लंच हमने कर लिया है, सारा फिनिश कर दिया. मुझे लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगा पर मैंने कर दिया. और 4:15 हो गए, अभी आधा घंटा और है तो अभी हम यहीं पे टाइम स्पेंड करेंगे, बैठे रहेंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे. हम यहाँ से चलेंगे
4:30 पे, फिर हमें 10 मिनट उसमें लग जाएंगे वॉशरूम में, है ना, फिर हम एंट्री कर लेंगे, 5 मिनट्स एंट्री में लगेंगे, वहाँ पे बैठ के एड्स देखने होंगे, एक दो फोटो खींचेंगे हम, फिर हम जाके सीट पे बैठ जाएंगे, फिर हम देखेंगे सबसे पहले एड्स, जिस मूवी में एड्स आते हैं, फिर थोड़े बहुत ट्रेलर आते हैं, फिर कुछ ट्रेलर्स न्यू मूवीज के, उसके बाद फिर नेशनल एंथम, और फिर देन स्टार्ट मूवी। अभी हमने बीच में बोल तो नहीं दिया क्या मूवी का कुछ नाम वगैरह? ऐसे करा था ना मैंने, 10 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
अभी नहीं बोला ना, अगर बोला का था एडिटिंग में कट कर देंगे। अभी पता नहीं, बोला ही नहीं है मैंने, सिर्फ ऐसी मूवी को जाया था। ठीक कह रहा, नहीं बाकी अगर मैंने थंबनेल में डाल दी फोटो तो वो अलग बात है, तो थंबनेल से पता लग जाएगा आपको। हम थंबनेल में पोस्टर को ब्लैक कर देंगे। तो गाइस आपको दिखाती हूँ हम कौन सी मूवी देखने आए हैं। फुलने दिख रहा ये वाले, लेकिन हम रिवील कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? सो सरप्राइज बरकरार रहेगा, जिसने नहीं देखी उसके लिए। अच्छी है या नहीं है वो बताइए बस। तो हमने एंट्री कर ली है, अभी सबसे पहले गुनीत को जाना है वॉशरूम। वॉशरूम जाना, पहले वॉशरूम चलते हैं। अभी ऑडी वन क्लीनिंग वगैरह हो रही होगी। ये रहा हमारा ऑडिटोरियम वन, यहाँ पे मूवी चल रही है अभी, उसके बाद क्लीनिंग होगी, उसके बाद एंट्री होगी। लेके जाओगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, लेके जाओगे भी तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो लेके जाना क्यों है, घर में चाहिए। सुनो, हाँ तो फिर एक्साइटेड हो मूवी के लिए कि डर लग रहा है? डर तो लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, देखना तो पड़ेगा ना। इसमें आपके सपनों की चुड़ैल ला सकती है। तो मैं आधी रात फिल्म में सो के चला जाऊंगा। लकीर तेरे को डर लग रहा है? मैं तो आंखें बंद कर लूंगी तब लगेगा भूत आ रहा है। हां, तो फिर भूत नहीं आता ना आंखें बंद करने से? नहीं, मतलब ये देखने से भी। अगर हम चद्दर ले आते तो उसमें भी सही रहता ना, चद्दर से ढक लो अपने आप को, तो भूत नहीं आया है। मैं तो रुमाल लाया। रुमाल लाया तुम? चलो, लाइफ सेविंग हैक, रुमाल ले जाओ अगर चद्दर ना होता है। और वो गाना भी चल चुका है मूवी का। अभी यहाँ पे हमने देखा कि पीवीआर के लिए ये रिव्यू मांग रहे हैं, हम इसको देते हैं रिव्यू बेस्ट वाला। तो फिर ये पेटीएम हमारा नंबर क्यों मांग रहा है? पेटीएम करने के लिए मांग रहा है क्या? दो तीन करोड़ सही में? पता, हमें टिकट के पैसे वापस दे दे। अरे हाँ, ऐसा कहीं हमने अच्छी बोली है तो टिकट के पैसे वापस आ जाए, ऐसा भी होता है। बैठ गए हैं हमारी रिक्लाइनर सीट से, यहाँ पे बैठूंगी। अगर किरत को डर लगेगा तो उसके पास उसके मम्मी पापा दोनों हो गए। मुझे बीच में बैठना। अच्छा, मुझे लग रहा है कि और नहीं होगी जितने मैं सोच रही हूँ। सोचने से कुछ नहीं होता ना। इंटरवल हो गया है, अभी तक तो मूवी बहुत अच्छी है, अभी तक सिर्फ कॉमेडी चल रही थी, अब सीरियस मतलब जो असली भूत है वो आ चुका है, अब देखो क्या होता है। अभी तक इंटरेस्टिंग थी, अच्छी मूवी है। रेक्लाइनर पे बैठ के कैसी हालत हो गई ना। अरे हाँ, ये मुझे पता नहीं था लेंस कैसा हो रहा है। चलो, रेक्लाइनर पे बैठ के बालों को बुरा हाल। मूवी बहुत अच्छी है, स्टोरी मतलब मुझे तो पिछली कुछ मूवी से सिमिलर लगी, बट एक ही हाँ डिफरेंट है। हम आपको बताएंगे कि किस मूवी से सिमिलर है। हॉरर में कॉमेडी है, हॉरर में कॉमेडी, और जो बहुत ही अच्छा है, मेरी बेटी बिल्कुल ही डरी ना नहीं, एक आधा कोई सीन होगा जिसमें सभी डरे थे, मैं भी डर गई थी उसमें, लेकिन इसने पूरा इंजॉय किया मूवी को। कहीं कहीं भूत जहाँ कैमोफ्लेज हो रहा था वहाँ पे पता नहीं लग रहा था कहाँ है। कैमोफ्लेज वाली मतलब डर तो नहीं लगा ना, मतलब इतना डर नहीं लगा, पर हाँ है, अच्छी है, हॉरर में कॉमेडी है, और ज़रूर देखना मूवी को। और हम मूवी देखने के बाद यहाँ पे DIY में
कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए, तो वो आपको बाद में दिखाएंगे। तो अभी हम DIY में है, अंदर वीडियो बनाने नहीं देते, तो मैं वीडियो यहीं स्टॉप कर रही हूँ। हम लोगों ने कुछ नहीं लिया DIY से, हमारे पति ने कुछ नहीं लेने दिया, वो कह रहे जल्दी घर चलो मैच आने वाला है, मतलब मैच शुरू हो चुका है। चले केकू चलो। तो गाइज हम घर पहुंच चुके हैं, हालत देखो कितनी बुरी हो गई है आते आते। और अब हम डिनर करेंगे। डिनर में क्या है कि क्या करेंगे हम, वो जो तरी पड़ी है, चिकन की तरी पड़ी है, उसके अंदर एग डालेंगे या कुछ और? चिकन ही लेके आ रहे हो? एग डाल देंगे उसमें और उसके साथ रोटी खाएंगे। और मैच चल रहा है, दिल्ली और मुंबई का, तो दिल्ली जीतेगी आज, और बाकी देखो कौन जीतता है। गुनी थक गई, अलमारी की खुली हुई इतनी सामान निकल रहे हैं। अच्छा, गर्मी लग गई ना बहुत तेज रास्ते में इसलिए। तो गाइज वेलकम बैक इन माई किचन। तो मैं आपको बताया था मैंने कि हम वो जो हमारी करी पड़ी है एग, मतलब चिकन करी पड़ी है, तो उसमें हम एग डालने वाले हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला है कि उनको एग का ऑमलेट खाना है, जो उनको मेरे हाथ का बहुत मतलब फेवरेट है, और वो है ये। मैं वो तो बना चुकी हूँ, मैं अब गुनीत के कीरत के लिए बनाऊँगी, वो आपको दिखाऊँगी। मैं ये मैं 6 अंडे का बनाती हूँ और 4 ब्रेड ऐड करती हूँ, उसमें मैंने प्याज और ग्रीन चिली ग्राइंड कर देती हूँ और सिर्फ नमक डालती हूँ इसके अलावा, और कुछ नहीं। और ये देखो अब मैं ही फ्लिप कैसे करूँगी, क्योंकि ना मेरी एक्चुअली अगर मैं मतलब फ्लिप करने में फेल हो जाऊँ तो ऐसा मैं समझ रहा, क्योंकि जब मैं खुद पर्सनली कर रही होती तो बहुत बढ़िया होता है काम, लेकिन मैं किसी को जब दिखाती हूँ ना, कोई कहता है हमें दिखाओ कि कैसे फ्लिप करते हो, तो मेरी हो जाती है लस्सी। क्या हो जाती है? लस्सी। तो अगर लस्सी हो गई तो यार इग्नोर करना, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे फ्लिप करती हूँ। और ये मेरा ग्रिल पैन है वंडर शेफ का, और मैंने बटर लगा के इसमें ये डाल दिया था, क्योंकि नॉन स्टिक ही होता है, फिर भी बटर मैं डालती हूँ क्योंकि टेस्ट अच्छा आता है उससे। ठीक है, तो ठीक है कीकू ध्यान से बनानी इसकी वीडियो है। हाँ। देखो मैं कैसे करती हूँ। अब ये नीचे से सिक चुका है वन साइड से, अब मैं इसको इस पे ऐसे लिड पे ट्रांसफर कर लेती हूँ, और बहुत अच्छे से फ्लिप हो गया ये तो। ये अच्छे से हो गया है, ये इसने आज मेरी लस्सी होने से बचा लिया। तो हिट लाइक, हिट लाइक। और ये देख लो, ये 4 अंडे का बना रही हूँ मैं गुनीत का, बस इसमें और कुछ नहीं, ये डाल दूंगी प्याज और हरी मिर्च का ग्राइंडर, ये है मिनी ग्राइंडर, हैंड ग्राइंडर जो होता है उससे करा है मैंने, और सिर्फ सॉल्ट डालूंगी जो अभी आपके टेस्ट के अनुसार है, और कुछ नहीं। अभी रुक दे फिर बनाइए, पूछ ले अच्छे से सर। चलो ये देने चलते हैं, केचप लेंगे पापा लेते हैं, सब खाते हैं इसको, लेते हैं ऐसे पापा केचप। ऑमलेट तो कर बीच में खा रहे हैं ऐसे, केचप लोगे इसके साथ? हाँ है? केचप तो मजा आएगा। मिले क्या था? ये वाला ऑमलेट ना तेरी मम्मी के अलावा कोई बना सकता ही नहीं है। लिया अब बोल लो। ये वाला जो ऑमलेट है ना भाई, मेरी वाइफ के अलावा कोई और बना सकता ही नहीं है। ऑसम। सही बना? कच्चा तो नहीं है? कल सुबह भी बनाना है। अबे यार, पर आप तो खा लेते हैं ना। इनको इनको ना तीनों टाइम अंडे दे दो, खा लेंगे। चिकन दे दो। चिकन दे दो। नो वेजिटेबल, ये नो वेजिटेबल डे मना सकते हैं, कुछ भी नहीं खाएंगे। हाँ। उन्होंने ऑमलेट के साथ वो अफजा वाला दूध पीना है तो वो बना रही है।
तो मैं यूनिफॉर्म ड्रेस से मैचिंग कर रहा है ना। बर्फ नहीं है मैंने जमाई ना, क्योंकि देखो ये जो छोटा फ्रिज है ना इसमें फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमने जब लिया ना ये तो मुझे अब प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसे मैं ऐसे ओलेक्स पे डालने वाली हूँ, तो इसको चेंज करके ना तो फिर हम डबल डोर ले लेंगे। डबल डोर लेंगे, उसमें फ्रॉस्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रिफ्रेशिंग है और क्या है, मेरी वाइफ बनाती हुई इच्छा है, मुझे रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है, तो घर में ही बाहर है। मैंने इसमें 4 eggs डाले, उसको अच्छी तरह से फेंट लो अच्छे से, फिर सॉल्ट डालो जितना आपको अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है, और फिर ये डाल दो जो प्याज और हरी मिर्च है ना, इसको डाल दो। ये गुनीत को भी बहुत अच्छा लगता है, मेरा भी फेवरेट है। कीरत का भी, कीरत को तो मैं पहले से ही देती थी, तो फिर इसके पापा बोलते तो कीरत को बड़ा अच्छा कुछ बना के देती है, उनको भी ऐसे कुछ नया नया अतरंगी चीज़ें खाने का बहुत मन करता है, तो फिर मैंने इनको भी खिलाया, तो ये कह रहे ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो तुम मुझे रोज़ खिला दे, तीनों टाइम खिला दे। पर मैं अच्छे से बटर डाल देती हूँ, एक ही बार लगाती हूँ बटर में। और एक बार मम्मा ने मेरे लिए क्लाउड वाला ऑमलेट भी बनाया था, है ना। हाँ तो फिर मैंने इनके लिए बनाया, इनको भी अच्छा लगा, तो अब मुझे हर बार बोल देते हैं वही वाला ऑमलेट खिला दे मुझे, मतलब मोस्टली डिनर में तो यही होता है ना। हाँ मोस्टली डिनर में तो यही होता है, उनको अच्छा भी लगता है और ये बहुत फास्ट भी होता है, और मतलब वो नॉन वेज लेवर इतने ज़्यादा है ना कि कई बार मैं तो पक जाती हूँ। अब मैं ये खाने वाली नहीं हूँ, अगली खाने वाली हूँ मैं, क्योंकि हम एक्सपीरिया मॉल में चिकन खाया है तो इसीलिए। हाँ वहाँ चिकन खा लिया था ना, ठीक है। सिम पे रखना गैस को, फटाफट ये डाल दिया हमने, क्योंकि अब ये पकना शुरू हो जाएगा ना, तो हमें ऊपर तक पकने नहीं देना है। और 4 slices लेने ब्रेड के, तो फटाफट ऐसे करना है यहाँ पे, मतलब जहाँ पे भी आपको लगता है ज़्यादा है बैटर सा ये, वहाँ से उठा के अपोजिट साइड फोल्ड कर दो। बस अब इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पे कर दो ताकि, अब इसके बाद तो आपने देखा ही हुआ है, इधर करना, अब इसके बाद तो आपने देखा ही हुआ है। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, मैं आपके लिए एक इस मूवी जो आज हम मूवी देख के आए इसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो के बाद, तो आप उसे देखना और तब जाके डिसाइड करना कि मैंने रिव्यू कितना अच्छा दिया है कितना अच्छा नहीं। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी या नहीं, अगर नहीं देखी तो अभी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।